दिल्ली में आरजेडी के महामंथन का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक तालकटोरा स्टेडियम में होगी। यहां पार्टी का खुला अधिवेशन भी होगा। पहले दिन एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी सुप्रीमो लाल प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मंत्री तेज प्रताप यादव, श्याम रजक, अब्दुल सिद्दीकी, शरद यादव समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव की तरफ से बड़ा ऐलान भी किया गया। बता दें आपको कि बैठक में पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय का जिक्र करते हुए आगे के रोड मैप को तैयार किए जाने की बात भी कही। और सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम, जहां से हमारे संपादक अशोक मिश्र जुड़े हैं। बिल्कुल, देखिए रश्मि, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्य समिति की आज बैठक है और उसके बाद खुला अधिवेशन है राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। और ये देखिए तालकटोरा स्टेडियम का नज़ारा, यहाँ यही मुख्य मंच है और इस मंच पर जो निर्वाचन अधिकारी हैं, राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी उदय नारायण चौधरी पहुँच चुके हैं, पार्टी के जो प्रधान महासचिव हैं अब्दुल बारी, श्याम रजक, शिवानंद तिवारी, बृसिन पटेल और नीतीश, मंत्रिमंडल में आरजेडी कोटे के जितने भी मंत्री हैं वो सब सभी के सभी यहां पे पहुंच चुके हैं। और अब इंतजार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हो रहा है, और सिर्फ इसलिए कि वो आएंगे तो विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते यूँ कह सकते हैं कि कार्यक्रम पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। और यही वजह है कि आप देख लीजिए कि आरजेडी के सभी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। ये रो जो बनाया गया है, ये विधानसभा के सदस्य और पूर्व विधानसभा के सदस्यों के लिए है, अब पूर्व सांसदों के लिए है, और इसके अलावे जितने भी वो पूरा ये कह लीजिए कि स्टेडियम आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। और अब कुछ देर के बाद ही कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब आएंगे तो झंडोत्तोलन करेंगे, जो पार्टी की परंपरा रही है, उस झंडोत्तोलन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी उदय नारायण चौधरी लालू प्रसाद यादव के निर्वाचन की घोषणा करेंगे और फिर 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद यादव की ताजपोशी होगी, यानी कि लालू प्रसाद यादव का जो है सो 12वें अध्यक्ष के रूप में फिर उनका संबोधन होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते कार्यक्रम संक्षिप्त होने की संभावना है, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी जाएगी और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही सिर्फ सभा को संबोधित करेंगे। चूंकि ये खुला अधिवेशन है, इस खुले अधिवेशन में जो पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक यहाँ पे मौजूद है, यानी कि आम से लेकर के खास लोगों की यहाँ पे मौजूदगी है। अब देखना यह है कि लालू प्रसाद यादव अपने संबोधन में नेताओं को क्या कहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं क्या कहते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव के निधन से एक गहरा झटका जरूर लगा है, विपक्षी एकता में कहीं न कहीं एक तरह से कहिए कि खलल पैदा हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। जी जी बिल्कुल अशोक जी, और जिस तरह से एक बार फिर से लालू यादव की ताजपोशी हो रही है, हालांकि पहले चर्चा तो बहुत हुई लेकिन पार्टी की जिम्मेदारी कमान अभी भी लालू यादव के हाथों में ही रहेगी। बिल्कुल, देखिए अभी भी आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता ये मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव में ही वह ताकत है जो बिहार की जनता को अपनी तरफ मोड़ सके, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को पार्टी में जोड़े रख सके और समूचे देश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव को लेकर के ही पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उत्साहित हैं। हालांकि कल की बैठक में लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि
वो उनके अनुपस्थिति में, क्योंकि कल वो 11 तारीख को सिंगापुर जा रहे हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव ही कोई भी गठबंधन से संबंधित बयान देंगे या कोई भी फैसला लेंगे। तो एक तरह से लालू ने उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी को मनोनीत कर दिया, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अभी भी लालू प्रसाद यादव की चमक है, उन पार्टी में उनकी पकड़ है और उनको लोग मानते हैं कि वो जननेता हैं। जी बिल्कुल। और अशोक जी, बात अगर हम करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी आरजेडी की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, खास करके विपक्ष को एकजुट किए जाने की बात लगातार आरजेडी की तरफ से कही जा रही है। क्या लग रहा है कि इस बैठक से क्या संदेश पहुंचेगा? बिल्कुल, देखिए आरजेडी के नेताओं ने पहले ही कहा, कर लालू प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में भी इस बात के संकेत दिए हैं कि 2024 के चुनाव की तैयारी में आरजेडी लग गई है। हालांकि मुलायम सिंह यादव के निधन नहीं होने से विपक्षी एकता को और मजबूती मिलती, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि आरजेडी अपने मिशन में लगी हुई है और यही वजह है कि राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वो संदेश देंगे कि किस तरह से 2024 के चुनाव में फतह हासिल करनी है। जी अशोक जी, और जिस तरह से सपा के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, ये एक बेहद दुखद खबर है जो आज सुबह हमें सुनने को मिली, जिसके बाद सपा ही नहीं बल्कि देश के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। एक के बाद एक राजनेता जो है वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, अपनी बातें सामने रख रहे हैं। अशोक जी, वहां पे आरजेडी के और तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं, आप उनसे बातचीत कीजिए कि ये क्षति जो है ये कितनी बड़ी क्षति है और इसका कितना नुकसान होगा। बिल्कुल, देखिए हम बात करेंगे, हम ये चाहेंगे कि जो आरजेडी के बड़े नेता हैं उनसे बात कर सकते हैं। हमारे साथ शिवानंद तिवारी हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुलायम सिंह यादव, तिवारी बाबा, तो ये जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी पर मुलायम सिंह, अरे बाबा लाइव चल रहा है ना, एक मिनट आ जाइए, आप रहे हैं ना उस समय? जी बिल्कुल, और इस वक्त दिल्ली के तारकटोरा स्टेडियम में आरजेडी की ये बैठक हो रही है, जहां से हमारे संपादक अशोक मिश्र जुड़े हुए हैं। लगातार तमाम तस्वीरें हम आपको तालकटोरा स्टेडियम की दिखा रहे हैं, जहां पर आरजेडी के तमाम वरिष्ठ नेता, आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर में लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी तालकटोरा स्टेडियम पहुंचेंगे। अशोक जी, वहां के जो आरजेडी के कार्यकर्ता है उनमें कितना जोश है इस कार्यक्रम को लेकर, लालू यादव की ताजपोशी को लेकर? आपने रश्मि ये पूछा है कि मुलायम सिंह यादव के निधन से क्या क्षति हुई है। हमारे साथ शिवानंद तिवारी हैं, वो राज्यसभा के सदस्य। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुलायम सिंह जी के साथ एक युग का अंत हो गया। बड़ा व्यक्तित्व था, आजीवन समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़े रहे, डॉक्टर लोहिया से प्रभावित रहे, गरीब गुरबों का, वंचित समाज के लोगों का की आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया, मजबूत किया। वो दौर था ऐसा जब देश में सामाजिक परिवर्तन का हलचल चल रहा था और उसमें उनकी भूमिका जो है अविस्मरणीय है। आपको याद होगा कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद को लोगों ने ध्वस्त किया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी थी कि उत्तर प्रदेश में सुनामी चलेगी, लेकिन उन्होंने भले कांसीराम के साथ समझौता किया, तालमेल किया और उस सुनामी को उन लोगों ने रोक दिया। यह भी याद होगा कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कोशिश जब हुई थी, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने गोली चलाई उनके ऊपर, मैंने काफ़ी बाद तक हमला होता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जो उनका दायित्व था, उनकी जवाबदेही थी, उसका उन्होंने निर्वहन किया। वहीं जो है आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके कहा कि
कि हम जो है बाबरी मस्जिद की रक्षा करेंगे और कोनाइव करके बाबरी मस्जिद को उन्होंने गिरवा दिया। तो ये फर्क जो है मुलायम सिंह में, एक समाजवादी नेता में और एक जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रशिक्षित नेता में फर्क है। मुलायम सिंह का स्मृति में हम सदा सुमन अर्पित करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति देगा और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता और ताकत देगा। विपक्षी जो गठबंधन था उसमें भी कहीं न कहीं लगता है कि झटका लगा है आज मुलायम सिंह के निधन से, इस कार्यक्रम पर भी कुछ असर, मुलायम सिंह जी के निधन से इस कार्यक्रम पर भी कुछ असर पड़ा है क्या? लोग मरमाहत है, आरजेडी का पूरा परिवार मरमाहत है उनके निधन को लेकर के। मरमाहत तो है ही, लेकिन अब वो थोड़े चाहेंगे कि जो काम चल रहा है आंदोलन का, कार्यक्रम का, वो उसको स्थगित कर दिया जाए, ये तो भी नहीं चाहेंगे। जो और अभियान है वो अपना चलता है, अभियान चलता रहे। हाँ, तो ये है मुलायम सिंह यादव के निधन का असर पड़ा है। लोग यूँ कह लीजिए कि कहीं न कहीं आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता मरमाहत हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इसके बावजूद भी आरजेडी के नेता ये मानते हैं कि जो मिशन आरजेडी ने शुरू की है उस मिशन को पूरा करना है, और यही वजह है कि आरजेडी के नेता अभी भी हैं उत्साहित और इस उम्मीद में हैं कि कहीं न कहीं ये जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम बेहतर तरीके से निपटे और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ये एक तरह से कहिए कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करने में सफल हों, संदेश देने में सफल हों। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं देवेंद्र जी। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और यहीं पर आई तो देवेंद्र प्रसाद यादव हमारे साथ हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। आइए हम उनसे ही सीधे बात करते हैं कि वो क्या मानते हैं इस को लेकर के। चूंकि देवेंद्र जी आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, हम साथ रहे और समाजवादी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, मुलायम सिंह जी यादव जी का निधन हो गया। देखिए आज एक युग का अंत हुआ है समाजवादी आंदोलन का। उत्तर भारत ही नहीं पूरे देश में समाजवादी जो कार्यकर्ता है उसका परिवार सब लोग आज शोकाकुल हैं, मरमाहत है, क्योंकि एक युग का अंत हुआ है मुलायम सिंह जी के जाने से। क्योंकि समाजवादी धारा का इतना बड़ा कदावर नेता, मैं समझता हूँ आने वाले दिन में ये क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। अपूर्णीय क्षति हो गया संपूर्ण समाजवादी परिवार का, पूरे देश और दुनिया में। आपको मालूम है समाजवादी सिद्धांत से मुलायम सिंह जी कभी समझौता नहीं करते रहे, लगातार इतना अदम्य साहस, साहसी नेता बिरले ही मिलेंगे। क्योंकि मुझको समय मिला उनके साथ काम करने में। मैं भारत सरकार में जब फूड मिनिस्टर था तो उस समय में रक्षा मंत्री थे, तो हमको समय मिला और मुझे एक संस्मरण याद है, कैबिनेट में सबसे ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए चावल जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो 36 करोड़ लोग हैं उसके लिए जब योजना प्रोजेक्ट लाया गया, सबसे मुखर होकर मुलायम सिंह जी ने इसकी वकालत की थी। इसलिए आज उनके जाने से हम मरमाहत है, पूरे समाजवादी परिवार मरमाहत है, हम इनके शोका कुल। लगता है 2024 के मिशन की जो तैयारी थी आपकी उसमें विपक्षी एकता में कहीं कुछ कमी महसूस की? नहीं, वो तो धारा है, अखिलेश सिंह जी हैं समाजवादी धारा है, वो जो रास्ता बना गए हैं उसी रास्ता पर 2024 में हम लोग कामयाब होंगे। मुलायम सिंह जी ने जो रास्ता बनाया है वो बहुत धारदार रास्ता है, वो समाजवादी ऐतिहासिक फोर्स है, तो हिस्टोरिकल फोर्स है, वो मरेगा थोड़े, धारा है, आदमी भी लोग भी है। तो ये है केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ काम भी किया था, और ये लोग मानते हैं कि मुलायम सिंह यादव के निधन से क्षति हुई है लेकिन जो समाजवादी आंदोलन है वह आंदोलन जारी रहेगा और खास करके 2024 की जो तैयारी है आरजेडी की वो तैयारी जारी रहेगी। जी जी, शुक्रिया अशोक जी तमाम जानकारी के लिए। और